तो आज हम लोग जो है कौन सा चैप्टर पढ़ने वाले हैं? द अर्थ पढ़ने वाले हैं, जो लिखा गया है किसके द्वारा? एची बेट्स के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। और याद करने में आपको क्या होगा, बहुत आसानी होगा इस तरह से आप लोग अगर याद करें तो। हम लोग जो है क्रिकेट खेलते हैं कहाँ पर? अर्थ पर, पृथ्वी पर, धरती पर, ठीक है। और किस चीज से खेलते हैं? बैट से खेलते हैं, ठीक है। और सिंपल है, अर्थ यानी कि पृथ्वी, क्रिकेट खेलते हैं बैट से, तो अर्थ कौन लिखा है? बैट से लिखा है, ठीक है। वो खेलने वाला बैट नहीं है, ये कौन है? ये बैट है, वो आपके कौन है? आपके पोएट है, ठीक है। और याद करने के लिए जो हम लोग ट्रिक के रूप में हम लोग वो बैट का चर्चा किए हुए हैं, ठीक है। तो अर्थ कौन लिखा है? एच ही बैट्स, ठीक है, क्लियर है। अब हम लोग इसके समरी की ओर चलते हैं। द अर्थ हैज बीन रिटेन बाय एच ही बैट्स, और किनके द्वारा लिखा गया है? ये एच ही बैट्स के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। ही रोट मेनी शॉर्ट स्टोरीज, और ये जो आपके कवि हैं, इन्होंने सॉरी ये जो आपके क्या है, ऑथर हैं, ठीक है, थीके? क्या किया इन्होंने? बहुत सारे शॉर्ट स्टोरीज वगैरह लिखे हुए हैं, ठीक है। दिस स्टोरी शोज ट्रेजिडी, और ये जो आपका चैप्टर है द अर्थ, ये क्या है? एक ट्रेजिडी है। ट्रेजिडी समझते हैं? आपदा भी पता। ट्रेजिडी होता है कोई दुखांत चीज, मीन्स उसका जो क्या हो, अंत जो हो क्या हो, दुख वाला हो, ठीक है। जैसे आप लोगों ने शोले मूवी देखा है, शोले में क्या होता है, तो जब तक इसमें दो किरदार होता है, जय और वीरू, ठीक है, देखते हैं जो बीच में मूवी जब मिडल में होता है, तब उस समय जो है अमिताभ बच्चन की मौत हो जाती है फिल्म में, ठीक है। वो कि जय का किरदार निभा रहा होता है, ठीक है, तब लगता है जो अब क्या होगा, फिल्म अच्छा होगा या नहीं होगा, ठीक है। और सोचा गया, जो डायरेक्टर सब सोचे जो क्या करते हैं, लास्ट में कुछ ऐसा क्रिएट कर देते हैं जो जय को क्या करते हैं, जिंदा दिखा देते हैं, जो वहां पे कुछ ऐसा हुआ था जिस कारण से जय बच गया। लेकिन फिर डिस्कस होने के बाद ये हुआ जो नहीं, इसका अंत जो है क्या रखेंगे हम लोग, दुखांत ही इसका रखेंगे, ठीक है। तो जिसका अंत क्या हो, दुखांत हो, दुख से क्या हो उसका अंत हो। और बहुत सारा फिल्म का क्या होता है, हैप्पी एंडिंग होता है, मीन्स ये उससे झगड़ा हुआ, वो उससे मार हुआ पीट हुआ, ठीक है। लेकिन अंत तक जाते जाते क्या होता है, सब चीज क्या होता है, सब चीज सेटल हो जाता है, एकदम हैप्पी एंडिंग होता है, ठीक है। दोनों का शादी हो जाता है, दोनों का जो लड़की का पापा और लड़का का पापा दोनों कभी जो है मरने मारने उतारू थे, दोनों अब संधि मिलान करते हैं, गले मिलते हैं, ठीक है, वो हैप्पी एंडिंग हुआ। ये आपका जो स्टोरी है क्या है, ट्रेजेडी है, समझ गया ना, ट्रेजेडी क्या होता है। और दोज पेरेंट्स, और किनके लिए ये ट्रेजेडी है खास करके, ये उन पेरेंट्स के लिए है, उन माता पिताओं के लिए है ये ट्रेजेडी, हु पुट टू मच ट्रस्ट, ठीक है, जो क्या करते हैं, पुट मतलब रखना, जो रखते हैं, जो रखते हैं टू मच ट्रस्ट, टू मच मतलब टू, टी डबल टू मतलब ज्यादा, टू मच क्या करते हैं, ट्रस्ट रखते हैं, भरोसा रखते हैं, विश्वास रखते हैं, किस पे, ऑन देयर चिल्ड्रेन, अपने बच्चे पे उसको बहुत ही ज्यादा क्या होता है, भरोसा होता है, मेरा बच्चा क्या है, बहुत अच्छा है, ये कभी जो है हम जब बूढ़े होंगे तो ये गलत नहीं करेगा मेरे साथ, इस प्रकार से उनका क्या होता है, फेथ होता है, हर पेरेंट्स का अपने बच्चे पे होता है। लेकिन आज हम देखते हैं कि हमारा समाज ऐसा होता जा रहा है, तो एक माँ पापा दो मिलके क्या करते हैं, पांच छह बच्चे को क्या करते हैं, पालते हैं, या सात से आठ बच्चे को भी क्या करते हैं, पालते हैं, जो क्या होता है बिग फैमिली होता है, जिस फैमिली का आकार बड़ा होता है उसमें क्या होता है, मम्मी पापा को छोटे बच्चे हैं वो क्या करते हैं, सबको पालते हैं, सबको पढ़ाते लिखाते खिलाते पिलाते शिक्षित करते हैं। लेकिन वही जब आठों बच्चे बड़े होते हैं और ये उनके पेरेंट्स जब बूढ़े हो जाते हैं, तो उन आठ बच्चों से माता पिता संभाले नहीं जाता है, ये स्थिति है। उसी पे क्या है, ये कमेंट किया गया है इस चैप्टर में, समझ गए यहां तक, चलिए आगे देखते हैं। इन दिस स्टोरी, इस कहानी में अ फार्मर, एक किसान है, क्या है, एक किसान है जिसका नाम क्या है, हुज नेम इज जॉनसन, उस किसान का नाम क्या है, जॉनसन है, ठीक है। ही हैज ओनली वन सन, उनको एकलौता क्या है, बेटा है, एक ही तो क्या है उसको, बेटा है, और उसका नाम क्या है, बेंजी है, ठीक है, क्या है, बेंजी है उसका बेटा का नाम। अब एक बेटा है, अब जानते हैं या तो सुबाठे होगा कि कुबाठे होगा, ठीक है, नहीं अच्छा कुछ करेगा तो नाम होगा, या गड़बड़ कुछ करेगा तो क्या होगा, पूरा उसका फिर भी नाम होगा, जो कैसा नाम होगा, इस बार अच्छे में नहीं होगा, बुरे के सेंस में होगा, ठीक है। अब जॉनसन जो है क्या है, वाज पुअर फार्मर,
मिंस जॉनसन कौन है? पुअर फार्मर। वो पुअर फार्मर है तो ये जॉनसन है किस वेंजियाई का क्या है? पिता है। ठीक है, ये क्या है? बहुत ही गरीब किसान है। He leaves everything to God। वो हर चीज किस पे छोड़ देते हैं? भगवान पे छोड़ देते हैं। कुछ अगर होता है तो चलो भगवान मालिक है, भगवान जानेंगे। फसल में अगर नुकसान हुआ तो चलो क्या है, तो भगवान का यही इच्छा था तो ऐसा हो गया, तो सब कुछ क्या करते थे वो भगवान पे छोड़ दिया करते थे। टू सॉल्व, हर चीज सॉल्व करने के लिए वो क्या करते थे? भगवान को कहते थे। भगवान ही सब कुछ क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। ही नेवर थॉट, उसने कभी नहीं सोचा अबाउट हिज ओन फ्यूचर, वो अपने फ्यूचर के बारे में कभी नहीं सोचा। किसने? जॉनसन ने? नहीं, उसके पापा ने। जॉनसन ही तो उनके पापा है। ठीक है, तो जॉनसन ने कभी भी अपने फ्यूचर के बारे में क्या किया? नहीं सोचा। सब चीज उन्होंने छोड़ दिया किस पे? भगवान पे। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ही हैड टेकन सम लैंड फ्रॉम सैंडर्स ऑन एनुअल रेंट, और वो क्या किया है? एनुअल मीन्स क्या होता है? वार्षिक। वार्षिक रेंट पे क्या किया है उन्होंने? कुछ लैंड, कुछ जमीन का टुकड़ा क्या है वो लिया है। जैसे किस गांव में आप देखते हैं ना, जो लोग क्या करता है, जमीन लीज पे लेते हैं। ठीक है, आप क्या किया जाएगा तो 10,000 जो है आपको जमीन है। ठीक है, आप क्या करेंगे? जमीन दे देंगे किसी को खेती करने के लिए। ठीक है, उसके बदले में वो क्या करेगा? एक साल में आपको 10,000, 12,000, 15,000 जो बात होता है उतना रुपए आपको देगा। तब उसमें खेत में उसने क्या उपजाया? 1.5 लाख का मकई उपजाया, या 2 लाख का, या 50,000 का, या 5,000 का। उसको घाटा होगा या नुकसान होगा ये कौन जानेगा? वो किसान जानेगा। लेकिन जमीन मालिक को क्या मिल गया? एक मुफ्त पैसा, 10,000, 12, 15 जितना में बात हुआ वो क्या होगा, मिल जाएगा। ठीक है, और उसको ना पूंजी लगाना पड़ा खेत में, ना खाद देना पड़ा, ना बीज देना पड़ा, उसको हो गया। और ये बेचारा किसान जैसा मेहनत करेगा, जैसा पूंजी लगाएगा, वैसा क्या होगा, उसका इनकम होगा। तो ये गरीब किसान थे, उसने किसे? सेंडर से, जमीन मालिक से क्या किया था? वार्षिक रेंट पे, जो एक साल जो है हम आपका क्या करेंगे, फसल उपजाएंगे आपके खेत से, इसके बदले में हम आपको इतना दे रहे हैं। ठीक है, रेंट पे। रेंट मीन्स क्या होता है? किराया पे खेत लिया। अपना इसको खेत नहीं था, लैंडलेस फार्मर था। ठीक है, भूमिहीन किसान था ये। आगे देखते हैं। ही वॉज हार्ड वर्किंग, लेकिन था कैसा वो? बहुत ही परिश्रमी था। कौन? बेंजा? नहीं, उनके फादर। बहुत ही मेहनती था, बट बिलीव टू मच इन फेट, लेकिन वो विश्वास करता था। बिलीव मीन्स विश्वास करना, टू मच बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा वो क्या करता था? विश्वास करता था किसमें? इन फेट। फेट मीन्स क्या होता है? भाग्य में, नसीब में, किस्मत में। वो सब कुछ उसी पे छोड़ता था, भगवान पे। अब क्या हो रहा है? वो किस्मत पे सब कुछ क्या करता है? छोड़ रहा है। ठीक, ठीक है, कोई दिक्कत? आगे हम लोग बढ़ेंगे। अब बेटा उसका कौन है? जॉनसन का बेटा कौन है? बेंजा है। अब क्या होगा उसके बारे में देखते हैं। हिज सन वाज डल। अब उसका जो बेटा है, बाप कैसा है? हार्डवर्किंग है, इसी तरह से क्या कर रहा है? व्यवस्था कर रहा है घर, घर चलाने के लिए। ठीक है, लोगों से जमीन क्या किया है? किराए पे ले लेके किसी तरह परिवार को मेंटेनेंस करता है। बेटा उसका क्या है? पिता के जस्ट अपोजिट है। जैसे ऊपर में बताया गया ना, कुछ क्या होने वाला है? ट्रेजेडी होने वाला है। ठीक है, अब बेटा उसका कैसा है? डल है, एकदम सुस्त। ठीक है, एंड अनइंटेलिजेंट, और तेज का तो कोई सवाल ही नहीं, एकदम भोथा टाइप का, नहीं भोथा टाइप का दिमाग होता है। कहीं खड़ा है जैसे मुंह लटका के खड़े रह गया, किसी को देख रहा है जैसे करके देख ही रहा है, एक बार में नहीं सुनता। कहते हैं ना गांव की भाषा में, कहते ठेक्कर हो गया। ठीक है, मतलब कुछ नहीं होता, मतलब कितना भी समझा दूं, इसके यहाँ एवेन करता लगता है, पता नहीं कौन सा भूसा भरा हुआ। ठीक है, तो हाँ ऐसा होता है। ठीक है, तो ऐसा को हम लोग क्या कहते हैं? डल कहते हैं, मीन्स मंद बुद्धि टाइप का कहते हैं इसको, क्या हम लोग? बच्चा। और मंद बुद्धि के क्लास में टॉप लेवल का था। कौन? कौन? बेंजा। ठीक है, और क्या था? और तेज होने का तो कोई सवाल ही नहीं है। द डॉक्टर एडवाइस टू कीप बेंजा इंगेज इन अ वर्क। तब क्या हुआ, इनके पापा जो कि कौन थे? जॉनसन थे। उसका स्थिति देख के, जो मेरा बेटा ऐसा हो गया, पता नहीं है भगवान हम क्या किए, सब कुछ तो भगवान पे छोड़ते आ रहे हैं, हमसे क्या गलती हो गया। तो वो देखा बेटा उसका ठीक नहीं हो रहा है, लाखों मन्नत मांगा होगा लेकिन कुछ नहीं हुआ बेटा ठीक।
वो इसको लगा जो मेरा बेटा सामान्य और बच्चों की तरह क्या है, नहीं है, कुछ अलग है वो लोग, ठीक है। तो किनके पास ले गया उनको? डॉक्टर के पास ले गया, ठीक है। अब वैसे पागल की तरह करेगा डॉक्टर के पास ले जाएगा ना, अब डॉक्टर के पास ले गया था, डॉक्टर एडवाइस, और डॉक्टर ने सलाह दिया टू कीप बेंजाई इंगेज इन अ वर्क। क्या करना है बेंजाई को? उसको इंगेज रखिए, कोई काम में क्या करिए, उसको लगा के रखिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि खाली दिमाग किसका होता है? शैतान का होता है, ठीक है। और इसमें हजार तरह का खुराफात आता है, खाली दिमाग बैठा रहता है, ठीक है। और इसको तो खुराफाती भी नहीं आता, कम से कम वो आता है तो दिमाग थोड़ा एक्टिव रहता, गया किसी का पैर तोड़ दिया, किसी का गमले फोड़ दिया, ये हो रहा था तो कम से कम ये हो क्या, एकदम तेज दर्रार का काम होता है, ठीक है। जैसे मैकेविटी द मिस्ट्री कैट में बताए थे, एकदम एक से एक क्राइम करके क्या करती है, बिल्ली भाग जाती है, प्लॉट पे कोई नहीं है, जाता है तो सब कुछ क्राइम हो चुका है, बिल्ली देर वॉज नॉट मैकेविटी, ठीक है। कम से कम साथ ही होना चाहिए ना, ये बच्चा से वो नहीं संभव है, बाबूजी परेशान, क्या किया जाए। अब देखते हैं द डॉक्टर एडवाइस क्या किया, इसको क्या रखिए, इंगेज रखिए, किस चीज में, कोई काम दीजिए, ठीक है। और फिलहाल इस चैप्टर में ये बताया जा रहा है, हम लोग अपने अपने तरफ से हम लोग अगर बात करते हैं तो गांव में देखते हैं एकदम निकम्मा निठल्ला कामचोर टाइप का क्या होता है, कुछ लड़का होता है, ठीक है। क्योंकि वो क्या है, उम्र हो चुका है, अब वो दो चार महीना छः महीना में साल में क्या होगा, वो शादी करेगा, ठीक है। शादी के नाम में बड़ा खुश रहता है, ठीक है। वो इस प्रकार का जो मंद बुद्धि टाइप का इंसान, क्योंकि सोचना तो है नहीं, शादी शादी हो गया बहुत बड़ी बात, ठीक है। क्यों? उसके बाद उसको कुछ नहीं पता है, जो लाएगा मेहराड़ू को खिलाएगा क्या, पिलाएगा क्या, उसको जेवर ढेर सारा, ठीक है, वो नहीं सोचेगा, बस शादी होना चाहिए, ठीक है। तो गांव में कहा जाता है या लोग कहते हैं जो बड़ा सुस्त टाइप का हो गया, एक काम करिए इसका ब्याह ही करा दीजिए, ठीक है। तब क्या होगा, अभी तो कुछ नहीं करता है, जाके चौक पे क्या करता है, पुड़िया खाता, वो तो खाता होगा ही, ठीक है, क्योंकि गलत संगत में रहता होगा, ठीक है। और क्या करता है वो, कोई काम नहीं करता है, चौक पे बैठ के मचाना वगैरह पे बैठ के ताश भर दिन फटते रहता है, ठीक है। तो अब कहा गया है उसको क्या करिए, आप कोई सलाह देता है, इसको इंगेज करिए, इसको क्या करिए, इसका शादी करा दीजिए, ठीक है। अब जब सुबह शाम इसको डोज पड़ेगा उधर से, ये लाइए वो लाइए, ये लाइए वो लाइए, तो अब बेचारा क्या करेगा, ये माथा पे जब बोझ आएगा तब क्या करेगा, ये काम करेगा, नहीं करेगा तो क्या होगा, पत्नी का तो मारो खाएगा, ठीक है। तो उस डर से भी ये क्या करेगा, खुद को इंगेज रखेगा, ठीक है, और तब ही सुधरेगा। लेकिन कुछ कुछ लड़का तो ऐसे में सही सुधर जाता है, कुछ कुछ ऐसा होता है पप्पा को मार के खिलाएंगे, ठीक है, नहीं सुधरता है। तो यहाँ पे डॉक्टर ने इनको सलाह दिया शादी करने का, नहीं क्या सलाह दिया, इनको सलाह दिया जो आप अपने बेटे बेंजाई को क्या रखिए, इंगेज रखिए कोई भी काम में, ठीक है। और कहा भी गया है, ठीक है, आप हमेशा क्या करिए, खाली कभी मत बैठिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, कहते हैं ना व्यस्त रहो मस्त रहो, कहने का मतलब है अपना काम करते रहते हैं पूरा टेंशन फ्री है, लेकिन काम भी नहीं करिएगा तो क्या होगा, लाइफ भी आपको बोर लेगा बैठे हुए हैं, ठीक है। एक से क्या होगा, माथा में टेंशन आएगा, आपको डिप्रेशन का शिकार हो जाइएगा। काम करिएगा तो देखते हैं कैसे दिन कट जाता है, एकदम शरीर भी फिट रहता है। चलिए आगे आते हैं, तब क्या किया जाएगा, अब काम मिलेगा उसको, कोई फैक्ट्री उसको काम देगा ऐसे आदमी को, उसको 2000 रुपए काम पे नहीं लगाएगा, ठीक है, देगा कोई पाइप को यहाँ से वहां रखो, पाइप लेके जाके पकड़ के ऐसे खड़ा रहेगा, ठीक है। क्यों, उसका अपना दिमाग काम ही नहीं करता है। तो क्या होगा, सो अब पापा जी कुछ सोचेंगे, क्योंकि पापा को अब सोचना है कुछ ना कुछ उनके बारे में। सो जॉनसन ब्राउट, मींस जॉनसन कौन है, उनके पापा है, वो क्या करते हैं, ब्राउट करते हैं, लाते हैं सम हेंस, कुछ मुर्गियां लाते हैं, ठीक है, किसके लिए, और बेंजाई, बेंजाई के लिए। क्या करेंगे, उसको काट के प्याज लहसुन मिला के चलेगा क्या, लेग पीस, नहीं नहीं उसके लिए नहीं है, कुछ मुर्गियां लाते हैं बेंजाई के लिए, इन ऑर्डर टू कीप हिम बिजी, उसको क्या रखा जा सके, ताकि बिजी रखा जा सके। मुर्गी उसको क्या करेंगे, मुर्गी पलवाएंगे उसको, ठीक है, मुर्गी को ये पाले, उसको क्या करेगा, उसको सुबह में उठ के सवेरे में 5 बजे 6 बजे रोज क्या करेगा, ये दाना खिलाएगा, ठीक है। फिर मुर्गी क्या होगा, बड़ा होगा तो फिर अंडा देगा, अंडा बेचेगा, कुछ पैसा हो जाएगा, फिर उस पैसा से और मुर्गी खरीदेगा, फिर अंडा बेचेगा, फिर पैसा होगा। तो पिताजी ने क्या किया, अच्छा सोचा इनके लिए, चलो अब इसको यही करवाते हैं। उसको क्या किया, बिजी रखने के लिए कुछ मुर्गियां ला के दिया, ठीक है। अब बेंजाई लर्न ऑल ट्रिक्स ऑफ बिजनेस, बेंजाई क्या हुआ, लर्न मत क्या होता है, लर्न मीन सीखना, लर्न है, बिटू है, क्या किया, ये सीखा, क्या सीखा,
सारा जो ट्रिक होता है कैसे कैसे करके मुर्गी पाला जाता है, कितना अनाज उसको देंगे हम बाड़ा में, ठीक है, और एक जो यहाँ पे ऐसे करके यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है, उसमें कितना मुर्गी को यहाँ रखेंगे, ऐसे करके कटो ऐसे देंगे खाने के लिए, ठीक है, ये सारा ट्रिक क्या किया, ये सीख गया बिजनेस का, तो कैसे करके क्या करके किया जाता है, मुर्गी पाला जाता है और कैसे करके फायदा होता है, ठीक है, फायदा कैसे होता है ये सीख गया, ठीक है। अब सिखाने में किनका योगदान है, पापा बहुत मेहनत की, और ऐसे ही नहीं हुआ कि मुर्गी लाके दे दिया एकदम ये इसका पूर्ति खुल गया काम करना चालू कर दिया, ठीक है, बहुत मेहनत से इसको क्या किया गया, पापा सिखाए, पहले पापा खुद पानी वगैरह चारा वगैरह देते होंगे मुर्गियों को, तब ये देखता होगा, तब थोड़ा थोड़ा करके ये करता होगा, फिर धीरे धीरे करके किया, और फाइनली जाके कुछ महीनों में क्या हो गया, ये ट्रेंड हो गया, ठीक है, ये स्टार्टेड टू अर्न मनी, और अब क्या किया वो पैसा कमाना क्या किया शुरू कर दिया, ठीक है। और पैसा जब आदमी कमाना शुरू कर देता है, पैसा जब आदमी को होता है थोड़ा ही खुलने लगता है, जब ये नहीं रहता है आपको पैसा, तब आप कुछ बड़ा सोच नहीं पाइएगा, ठीक है, क्योंकि पूंजी है ही नहीं, अब पैसा कमा रहा है, अर्न मनी बाय सेलिंग एग, अंडा को बेच के कमा रहा है, ठीक है, मुर्गी को, मुर्गी ज्यादा हो रहा है, कुछ कुछ मुर्गी को निकाल रहा है, ठीक है। आफ्टर दैट हिज फादर एडवाइज्ड हिम, उसके बाद पापा उसको एडवाइस किए, सलाह दिए, जो बेटा जो पैसा वगैरह हो रहा है ना, अब क्या करो, कुछ बचत भी करो, क्या करो, सेविंग करो, ठीक है। तब क्या किया पापा, उसको बोला जो खाता खोलाओ बैंक में, स्टेट बैंक में या पंजाब नेशनल बैंक में, कहीं खोलाओ खाता, ठीक है, अपना तो इसको दिमाग था नहीं, जो खातों खोलना पड़ता है, खातों कुछ होता है, ठीक है, तो पापा बोले, तब सोचा अच्छा खोलते हैं, तब एक तो क्या किया, एडवाइज हिम टू ओपन अ बैंक अकाउंट, तब ये क्या किया, एक खाता खोला, बैंक अकाउंट खोला, बिल्साइड डिपोजिटेड, सॉरी डिपोजिट्स हिज मनी, और अब जो उसको पैसा होता था वो क्या करता था, इन्वेस्ट भी करता था और मंथ मंथ क्या करता था, बचाता था, पैसा को बचा के क्या करता था, डिपॉजिट करता था, जमा करता था खाता में, पापा का खाता में, अपना खाता में जमा करता था इन इट, ठीक है। ही वाज जस्ट अपोजिट टू हिज फादर, लेकिन अपने पापा से क्या था, ये जस्ट उल्टा था, ठीक है, पापा के मन में बहुत सारा चीज था, इसके प्रति प्रेम था, सहानुभूति था, जो सा एक बाप को होता है, अब कैसे अपोजिट था आगे देखेंगे, नेक्स्ट पैराग्राफ। नाउ बेंजाय मैरिड अ गर्ल नेम फ्लोरेंस, अब पैसा हो गया तो इसको, अब तो शादी करेगा, अब कौन रुकेगा, अब तो कमाता, अब ये लड़का अपने पैर पे खड़ा है, ठीक है, अब शादी करेगा, बेंजा मैरिड अ गर्ल, और वो जो गर्ल है उससे क्या होता है, वही मोहल्ला में कहीं पे देखता है, प्यार हो जाता है उसको, ठीक है, और क्या करता है, उसे शादी करता है, ठीक है, फ्लोरेंस, और फ्लोरेंस बिहेवियर, और ये जो आई है फ्लोरेंस, अब ये तो देखा है जो ये जो लड़का है क्या करता है, अच्छा खासा कमाता है, ढेरी ढेरी मुर्गा है, मुर्गी है, अंडा उंडा बहुत है, पैसा का कोई कमी नहीं है, ये आई तो होता है ना कुछ ये सोचना, मतलब नई नवेली पत्नी जो आती है ना, उसका ये दिमाग जो है ना थोड़ा सा दूसरे लेवल पे चढ़ा हुआ रहता है, ठीक है, वो अपने घर से कैसे आई है पता नहीं है, लेकिन दूसरे के घर आती है, इसको लगता है जो सहनशाह की पत्नी हम ही है, ठीक है, वो आती आने के साथ अपना क्या करती है, चिड़की छिड़का जो भी करते हैं ग्रामीण भाषा में, वो चालू रखती है, ठीक है, उसको कोई लेना देना नहीं है अपनी सासू माँ से, ठीक है, वो ये नहीं जानना चाहेगी जो आखिर मेरे पति देव जो अभी हुए हैं इस जगह पे लाने में क्या समर्पण रहा होगा उनके माता पिता का, कोई मतलब नहीं, वो आई, ठीक है, और हिटलर दीदी वाला काम शुरू हो गया, ठीक है, क्या की फ्लोरेंस बिहेवियर अबाउट बेंजाय पेरेंट्स वॉज नॉट गुड, बेंजाय के पेरेंट्स के प्रति उनका व्यवहार सही नहीं था, ये बात बात पे जो है पति के कान में कुछ से कुछ कहती थी, आज मम्मी हमको डांट दी, हम वहां पे गए मम्मी से कप में ठोकर लग गया, मम्मी से गिरा, मम्मी हमको डांटने लगी, तुम ही गिराई है, मतलब इल्जाम, मतलब ये क्या करती है, इनको अच्छा नहीं लगता है, किनके माता पिता, बेंजाय के माता पिता, मीन्स इसका कौन हुआ सास ससुर, इसको तनिक भी नहीं सुहाता है, ठीक है। सी पॉइजन, पॉइजन मतलब होता है जहर मिलाना, ठीक है, अब कहां जहर मिलाया है, ठीक है, His ears, उसके कानों में जहर घोलना शुरू किया, किनके कानों में, अपने पति के कानों में, ठीक है, जो आपकी मम्मी ऐसी है वैसी है, ये कहती है हमको, वो कहती है, ठीक है, आपके पापा भी ऐसे हैं, मम्मी का ही साथ देती है, हमको दोनों मिलकर डांट दिए थे, और पति सुनेगा तो कितना गुस्सा आएगा, कमाता है पति, अब पापा ऐसे बोल दिया तुमको, हम जाते हैं बात करते हैं, क्योंकि पढ़ा लिखा तो है नहीं, तनिक अपना है नहीं, या कनिया जो बोलेगी क्या होगा वही होगा, क्योंकि वो सही है, वो गलती सही है, बाकी सब क्या है, गलती है, कहा भी गया है, माय लाइफ इज माय वाइफ, ठीक है, होता है ना, अब पेरेंट्स कुछ नहीं हो गया, एक ग्रामीण क्षेत्र में कहा जाता है माय बाप कुछ नहीं, बॉ बिल फैमिली, बॉ मीन्स वाइफ, वो फैमिली हो गया, माँ बाप कुछ नहीं हुआ, ठीक है, और
जहर घोलना शुरू की कानों में, किनके कानों में, विजय के कानों में, किसके खिलाफ, अगेंस्ट हिज पेरेंट्स, जो आपके पेरेंट्स क्या है, खराब है, ठीक है। इसके शादी से पहले बहुत अच्छे थे, लेकिन जब इनका शादी हुआ इसके बाद से इस लड़का का पेरेंट्स क्या होने लगा, खराब होने लगा। घर में देखते होंगे आप लोग, अगल बगल से, घर में नहीं अगल बगल समाज में आप लोग देखते होंगे क्या होता है, ऐसा आपको मिलेगा, ठीक है। बोले क्या दो महिला अगर बात भी कर रही होती है, बोलती है क्या बताए दीदी, मेरा तो सौ से खराब है, ठीक है। और बोलती है दीदी तुम्हारा तो तनिक ठीक है, थोड़ा सा चाहिए बना के दे देती है तुमको, मेरा तो मत पूछो, कब जाएगी बुढ़िया, ठीक है। तो इस प्रकार की बातें लोग क्या करते हैं, वो नई नवेली जो ये आती है सोकोल पत्निया, ठीक है, और उनका ये होता है, ठीक है। तनिक भी वो सोचती नहीं है, जो जैसा हम बिहेवियर कर रहे हैं अपने पति के पेरेंट्स के साथ, यही बिहेवियर अगर हम अपने मम्मी पापा के साथ करते तो उनको कैसा लगता, तभी अपना वाला बात हो जाता है, मीन्स अपना मायके, मीन्स उनका जो किया वो ममता मम्मी पापा के साथ, वो ऐसा बिहेवियर करेगी तो कैसा लगेगा। या उस घर में जो भाई है इसका, उसकी पत्नी आके ऐसे ही करके नट वाला नच अगर नटाने नचाने लगेगी इसके पापा को भी, तब कैसा होगा। ये नहीं सोचती है, बस अपना काम बनता, बाहर में जाए जनता नेता वाला बात है, ठीक है। तो बस यहां तक समझ गए। नाउ बिंजाई हेट्स हिज पेरेंट्स, तो इतना कान बड़ा गया वो बिंजाई, क्या किया, हर बात भूल गया, जो हम ही मंद बुद्धि प्रकार के बालक थे जिसको कैसे कैसे करके बनाया गया, कैसे हम यहाँ पे आए, सब बात ही बेचारा क्या हो गया, भूल गया। बिंजा हेट्स हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता से नफरत करने लगा ये लड़का। एट लास्ट अंत में यही देखते हैं क्या हुआ, वन डे ही ड्रोव हिज पेरेंट्स अवे फ्रॉम हिज हाउस, और एक दिन क्या किया, निकल जाइए मेरे घर, इस गेट का दरवाजा आपके लिए हमेशा के लिए बंद होता है, बंद होता है, बंद होता है, सीरियल में जैसे होता है, ठीक है। और क्या किया गया, उसको निकाल दिया गया। तो कहने का मतलब आप लोग क्या देखें, फैमिली इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, ये समझना आपको पड़ेगा, ठीक है। फैमिली ने आपके लिए क्या किया है, ठीक है, और उसको आपको क्या करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। अभी भी देखते हैं गांव में झगड़ा उगड़ा होता है, ती भाई बोलेगा अपनी मम्मी को तुम मेरे लिए क्या किया है, की है तुम कुछ नहीं मेरे लिए किया है, छुटका बोलता है मेरे लिए क्या किया, कुछ हो नहीं किया। अब बताइए मम्मी इतना मेहनत करके, पापा इतना करके मेहनत करके कमाते हैं, खाना खिलाते हैं, पढ़ाते लिखाते हैं, इसको योग्य इंसान बनाते हैं, और तब बेटा का जब शादी होता है अपनी पत्नी के सपोर्ट में खड़े होकर बोलते हैं तुम क्या किया मेरे लिए, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए। यही था हमारा चैप्टर, कौन सा, द अर्थ चैप्टर खत्म हुआ। इसका ऑब्जेक्टिव क्या करेंगे हम लोग, अब डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।